छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र आना शुरू हो गया है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी घोषणा पत्र को सार्वजनिक कर चुके हैं। कल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष जलाल ने बिलाईगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा, देखें। पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, उस विषय को लेकर पत्रकार मित्रों के सामने प्रेस वार्ता करने के हमने प्रयास किया है। मित्रों, जैसा कि आपको सबको विदित है कि हमारे संकल्प पत्र में हमने किसानों को लेकर, चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, हमने 21 क्विंटल धान और दर 31 रुपये तय किया है, जिससे प्रदेश के किसानों को धान का उचित मूल्य मिले, उनको आर्थिक रूप से उनकी उन्नति हो। वहीं युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ PSC में भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार की धांधली की है, भविष्य का अंधकारमय किया है युवाओं का, उसको दूर करने के लिए UPSC की तर्ज पर हम छत्तीसगढ़ की PSC परीक्षा को संचालित करेंगे। उसमें पूर्ण पारदर्शिता होगी, ताकि गांव के भोले भाले किसान जो अपने पेट काट कर अपने बच्चे को, अपने होनहार बच्चों को उच्च पदों पर आसित करने के प्रयास करते हैं, उनके प्रयास पर किसी प्रकार की कोई सरकार धोखाधड़ी ना करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्वक युवाओं के साथ काम करेगी। बंधुओं, हमने खासकर महिलाओं के लिए, उनकी उन्नति के लिए विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये प्रति वर्ष देने का फैसला किया है। प्रति वर्ष 12,000 मतलब मासिक 1,000। वहीं जिन BPL परिवार की जहां भी कन्या का जन्म होगा, उन परिवारों को 1,50,000 की गारंटी दी जाएगी। बंधुओं, जब से भूपेश की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इन्होंने गरीबों के आवास 18 लाख आवास रोक के रखे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम 18 लाख आवास बनाकर गरीबों को उनका आवास और हक प्रदान करेंगे। भ्रष्टाचार की नीति जीरो टैलेंट, हमारा भ्रष्टाचार रहे, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टा निवारण केंद्र बनाया जाएगा और एक पोर्टल भी जारी किया जाएगा, जिसमें आम जनता भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत कर सके। और तो और, तेंदुपत्ता का संग्रहण दर एवं बोनस 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा एवं 4,500 रुपये तक होगा। 15 दिन का संग्रहण का कार्य होगा, जिसको कांग्रेस की सरकार ने 2 से 3 दिन तक कर दिया है। यह हमारे वनांचल में रहने वाले वनवासी भाइयों के साथ अत्याचार है। आयुष्मान भारत छत्तीसगढ़ में, जिसकी राशि 5 लाख तक की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर आम जनता को इसका लाभ 10 लाख रुपए तक होगा। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवाओं की उद्यम क्रांति योजना के तहत उनको मिलने वाले ऋण में 50% की सब्सिडी होगी। हमारे होनहार बच्चे जो कि महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके आने जाने के लिए, यातायात सुगम व्यवस्था के लिए उनको यातायात भत्ता भी दिया जाएगा। महिलाओं के घर में खास करके बढ़ती गैस की कीमत तो आम जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए महिलाओं को छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद 500 रुपए की दर से दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद आम महिलाओं के साथ, गरीब जनता के साथ, हमारे यहाँ जो 1 एकड़ से कम के कृषक हैं या जो भूमिहीन हैं, ऐसे कृषकों को प्रति वर्ष 10,000 रुपया दिया जाएगा। 2 साल का जो 17-18 का बोनस जिसको हमने नहीं दिया था, माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को ये राशि हमारे किसान भाइयों के खातों में समायोजित किया जाएगा। ये हमारा घोषणा है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता, जिसको भगवान राम पर
अगाध श्रद्धा है। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामलला की भव्य अयोध्या में मंदिर बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ चूंकि भगवान राम का ननिहाल है, यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को अयोध्या दर्शन, रामलला के मंदिर का दर्शन कराने की योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार, भाजपा की सरकार बनाएगी। बंधुओं, आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से शराबबंदी की घोषणा करने वाली, गंगा जल की कसम खाने वाली सरकार अपने घोषणा को अधूरी करके भी आज बड़ी बड़ी बातें करती है। बेरोजगारों को भत्ता देंगे बोलते थे, बेरोजगारों को उन्होंने किसी प्रकार का कोई भत्ता नहीं दिया। नियमितीकरण के नाम पर हजारों कर्मचारियों को उन्होंने ठगा है। वहीं हमने संकल्प लिया है कि पंचायत के हमारे सचिव हैं, उनको हम नियमित भी करेंगे और वो जो समय समय पर मांग करते हैं कि हमको अपना एरियस मिलना चाहिए, वो एरियस भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आम जनता की खुशहाल के लिए हमारी घोषणाएं जो हुई हैं, वो घोषणा मोदी की गारंटी के रूप में हम देने जा रहे हैं। मोदी जी ने विश्व के नक्शे कदम पर भारत का नाम रोशन किया है और छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र मोदी जी के विश्वास पर खरा उतरेगा। इस नाम से, मोदी गारंटी के नाम से, हम इसको आम जनता तक प्रसारित कर रहे हैं। बंधुओं, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के माध्यम से, जनता की सेवा के माध्यम से आप समक्ष के, आपके सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। आप सबका सहयोग। छत्तीसगढ़ में एम्स के तर्ज पर पांचों संभाग में स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएगी। वहीं बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी वाले हमारे महाविद्यालय हैं,